अफगानिस्तान में अजय बने पंजशीर घाटी पर कब्जे के लिए तालिबान ने बड़े हमले की तैयारी कर ली है। तालिबान के लड़ाके भारी हथियारों के साथ पंजशीर घाटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तालिबान ने चेतावनी दी है कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से अहमद मसूर की सेनाएं सरेंडर नहीं करेंगी तो उन पर हमला किया जाएगा। वहां पंजशीर के नेता अहमद मसूर ने कहा कि वो सरेंडर करने वालों में से नहीं है और जंग के लिए तैयार है। इस बीच टोलो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबान पर रास्ते में घात लगाकर हमला किया। पंजशीर के विद्रोहियों ने न सिर्फ 300 तालिबानियों को मारा है बल्कि कई को बंदी भी बना लिया है। बीबीसी की पत्रकार यालदा हकीम ने कुछ तालिबानियों की तस्वीर ट्वीट की है। उन्होंने लिखा, तालिबान विरोधी मूवमेंट ने मुझे बताया कि ये बगलान प्रांत के अंदराब में युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए तालिबान कैदी हैं। खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह साले ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अंदराब घाटी के एम्बुश जोन में फंसने और बड़ी मुश्किल से एक पीस में बाहर निकलने के एक दिन बाद तालिबान ने पंजशीर के एंट्रेंस पर फोर्स लगा दी है। हालांकि इस बीच सलांग हाईवे को विद्रोही ताकतों ने बंद कर दिया है। ये वे रास्ते हैं जिनसे उन्हें बचना चाहिए। फिर मिलते हैं। दरअसल पंजशीर में अहमद शाह मसूद और बेटे अहमद मसूद और खुद को अफगानिस्तान के केयरटेकर राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह साले तालिबान को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तालिबान के हमले को देखते हुए बगलान के देह ए सलाह जिले में विद्रोही लड़ाकों ने जुटना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के 33 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है। सिर्फ एक पंजशीर प्रांत ही ऐसा है जहां तालिबान की सत्ता नहीं है। पंजशीर के लोगों का कहना है कि वे तालिबान ताकतों के खिलाफ डटकर मुकाबला करेंगे। यहां के लोगों को तालिबान से खौफ नहीं है। बता दें कि पंजशीर घाटी की आबादी महज 2 लाख है। काबुल के उत्तर में ये इलाका महज 150 किलोमीटर दूर है। 70 और 80 के दशक में एक वक्त ऐसा आया था जब तालिबान ने पंजशीर घाटी को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, फिर भी उन्हें पंजशीर में कामयाबी नहीं मिली। यही वजह है कि तालिबान भी पंजशीर मामले को जल्द हल करने के पक्ष में है। दरअसल उन्हें लगता है कि अगर पंजशीर के लड़ाकों को शांत नहीं किया गया तो उन्हें सरकार चलाने में काफी मुश्किलें आ सकती हैं। वहां नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से कहा गया है कि युद्ध को लेकर उनकी पूरी तैयारी है। हालांकि अगर रास्ता निकालने के लिए बातचीत होती है तो उसके लिए भी रास्ते खुले हैं।